हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट आपको क्या करना है, इनके जो सम है इन्हें जोड़ना है, ऐड करना है। सम का मतलब ऐड है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करना है। देखिए, आप कोई भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, या फिर आप असेंडिंग, डिसेंडिंग या कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि आपकी फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक है, ठीक है जी। तो लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होते हैं जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है। अगर आपने देख लिया कि डेनोमिनेटर सेम है तो आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप फिर उसके बाद में एलसीएम ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 5/9, 3/9, तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, 9 है, तो अब इसमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करेंगे, 5/9 लिखेंगे, एंड की जगह प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3/9 लिख देंगे। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, कभी भी डेनोमिनेटर प्लस नहीं होते, ठीक है। कभी भी आप इन्हें प्लस मत करें, सिर्फ न्यूमिनेटर ही प्लस होते हैं और यही माइनस होते हैं। जो आपसे 13.1 आ गई, यानी कि प्लस के क्वेश्चन आ गए, तो आप पे माइनस के भी आ जाएंगे। सब में एक जैसे ही मेथड है ना। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो यहाँ 2/9 आ जाता आंसर, है ना। अब क्या आ जाएगा, 8/9, ठीक है जी। आपके आंसर सीट में यही आंसर है, है ना। तो जब भी आंसर आए तो आप आंसर को जरूर देखें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में होना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनके डेनोमिनेटर छोटे और जिनके न्यूमिनेटर छोटे और डेनोमिनेटर बड़े होते हैं, वे प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर इम्प्रॉपर में आता तो न्यूमिनेटर बड़ा होता, डेनोमिनेटर छोटा होता, तो फिर आप अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसे आप जरूर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन में करने के बाद भी अगर वो अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है तो उसे लोएस्ट टर्म में भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो जिसका आंसर यही आएगा। अब क्या है, 1/12 प्लस 7/12, तो कितना हो गया, 8/12, है ना स्टूडेंट। अब जो 8/12 है ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, और लेकिन ये अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। आप इसका एचसीएफ लेके देख सकते हैं, है ना। अगर आपसे एचसीएफ नहीं आता तो एचसीएफ की वीडियो है, आप उन्हें देख सकते हैं, जाकर लिंक मिल जाएगा आपको। तो स्टूडेंट आप इसे देखिए, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हो, 8 भी और 12 भी, तो ऐसा सबसे बड़ा टेबल होता है 4, है ना। तो 4 से आप इन्हें डिवाइड कर देंगे, 4 2 8 और 4 3 12, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, 2/3। तो ये हमारा लोएस्ट टर्म में है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी वाला भी हमारा लाइक फ्रैक्शन में है, तो अब इसका भी एलसीएम लेने जा सकता नहीं है। तो लिखेंगे 13/19 माइनस 5/19। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन्हें माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 8/19। तो जी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 8 और 19 किसी भी टेबल में नहीं आते, है ना। तो जब ये किसी भी टेबल में नहीं आते तो स्टूडेंट तो ये अपनी लोएस्ट टर्म में है। अगर ये अपनी लोएस्ट टर्म में है तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2,
डी के भी डेनोमिनेटर सेम है, सब में 30 नहीं है तो आप इन्हें भी ऐड कर लीजिए। इक्वल का चिन्ह लगाइए, 4 और 6 10 हो जाएगा, 2 12 हो जाएंगे, 12 upon 13 आएगा, तो 12 और 13। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी क्रमागत संख्याएं हैं, यानी कि लगातार आने वाली संख्याएं, तो उनका ऐसे आप हमेशा वन ही होता है, और वे हमेशा अपनी लोएस्ट रन में ही होती है, है ना। यह जो प्राइम नंबर होता है जिनमें, वे भी अपनी लोएस्ट रन में ही होती है। तो ये इसका आंसर यही आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, एड द फॉलोइंग। एड द फॉलोइंग, देखिए स्टूडेंट यहां पे एंड लिखा था, बस यहां प्लस का चिन्ह दे दिया, इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सब ऐसे ही होंगे जैसे ऊपर वाले हुए। देखिए सबसे पहले हम 2/3 है, 5/6 है, तो हम देखेंगे क्या ये लाइक फ्रैक्शन में है। आपको पता चल रहा भाई 3 और 6 है डेनोमिनेटर, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है। अगर लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो तभी आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह लाइक फ्रैक्शन होता तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए 3 और 6 का। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 सेम का सेम आ गया, यहां भी 3 आ गया, फिर 3 से ही हो जाएगा 1 1, तो 2 × 3 = 6 LCM। तो स्टूडेंट LCM के बारे में हम ज्यादा इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम LCM आपको सिखा चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए और यहाँ पे 6 लिख दीजिए, और इस 6 जो अभी LCM आया वो दोनों डेनोमिनेटर से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी वो सही होता है, वरना गलत होता है ना। त्रिका टेबल पढ़ के देख लीजिए 6 कितने टाइम आया, 2 टाइम। अब स्टूडेंट जो पहली फ्रैक्शन होती है 2/3, इससे हम 3 से इसे डायनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड करेंगे, और जो न्यूमिनेटर होता है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। 6 × 6 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4 प्लस 5 × 5 upon 6 कितने हो गए, 9/6। तो स्टूडेंट ये जो आंसर आ गया ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सिक्स बन जा 6 तो बच गए 3। तो देखो जो भी आंसर आएगा वो तो होल बनेगा, होल के बीच हम 20 से एक लाइन ड्रा करेंगे, और जो न्यूमिनेटर है रिमाइंडर है वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा, जिससे डिवाइड किया वो डेनोमिनेटर बन जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अब भी 3 और 6 जो है वो अपने लोवेस्ट नंबर में नहीं है, आंसर तो बुक में 9/6 ही आ रहा होगा आपका, लेकिन हम आगे तक आपको समझा रहे हैं। तो हम 3 अगर ऐसे आप लेंगे इनका तो 3 आ जाएगा, 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, होल सेम का सेम रहता है हमेशा, 3 × 3 3 × 6 तो स्टूडेंट ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये दोनों 15 है और 5 है, तो जी इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 सेम का सेम रहोगे, यहां भी 5 आ जाएगा, 5 × 5 5 × 5 तो 3 × 5 = 15 एलसीएम, अब 5 का टेबल हम पढ़ के देखेंगे 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम आता है, तो 3 × 2 प्लस, और 15 × 15 × 4 3 × 6 प्लस 4 × 4 upon 15 4 और
6 × 4 = 10/15। तो स्टूडेंट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये डिवाइड तो होने का ही। तो जी क्या होगा, हमें इसे किस किलो रेस्टोरेंट में करना है? अगर हम देखें कौन सा बड़ा टेबल होता है, यानी कैसे बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई बड़े से बड़ा टेबल कौन सा होगा जिससे दोनों आ जाएंगे, तो जी वो 5 ही होगा। तो कहने का मतलब है 5 इसका एचसीएफ है ना, 5 × 10 और 5 × 3 = 15, 2/3 आंसर आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका सी है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक ही डेनोमिनेटर है। ध्यान दे, अगर किसी भी कोई भी फ्रैक्शन ऐसी है जिसमें एक ही डेनोमिनेटर हो तो उसका एलसीएम वही जो डेनोमिनेटर होता है वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, इसका एलसीएम 9 ही होगा, इसका 18 ही हो जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, तो इसे कोई एक्सरसाइज को इसे लिखेंगे 5 और इसके नीचे अपने पास से 1 मान लेंगे, है ना, और यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 9। तो ये ऐसे फ्रैक्शन के रूप में तैयार हो जाएगा, जैसे आपके दूसरे वाले क्वेश्चन थे। अगर कहीं भी डेनोमिनेटर नहीं दिया हुआ हो तो आप उसे 1 मान सकते हैं। ठीक है जी, और इनका एलसीएम लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 2 डिजिट है या 3 डिजिट भी है और उनमें एक ही डेनोमिनेटर दिया गया, बाकी आपने मान लिया 1, 1, 1, तो इनका एलसीएम हमेशा यही रहेगा, एलसीएम इज़ इक्वल टू 9, यानी कि जो एक डेनोमिनेटर है वही एलसीएम रहता है ना। तो एलसीएम को हम यहाँ लिखेंगे, अब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 9 ही आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 9 से 9 को करेंगे तो 1 आएगा, 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जी 9 × 5 = 45 और प्लस 4/9। ठीक है जी, तो 9 45 को 4 में प्लस कर देंगे, 49 आ जाएगा, 9। तो जी अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे, ये इम्प्रोपर फ्रैक्शन में आंसर आया हमारा, इम्प्रोपर में आया तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए 49 को 9 से, 9 × 5 = 45, बच गए 4। तो जी 5 whole 4/9 ये आंसर आ गया, है ना। आप देख सकते हैं 4/9 किसी भी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब भी अपने लोएस्ट रन में है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 + 21/18, इसका भी 1 मान लेंगे, तो जी इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 18 ही हो जाएगा। तो 18 से 1 से डिवाइड करेंगे, 18 को 18 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 18 को 1, 18 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई 21 में कर देंगे, 18 × 3 = 54 + 21/18। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, ये आ गया, है ना जी। तो ये 75 आया, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, तो अब इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होना चाहिए, बुक में तो आंसर आपका यही आ रहा होगा, देख लेना, ये भी खत्म कर देते। तो जी कितनी बार चला है, 4 चला के देख लेते हैं, 4 × 8 = 32, carry 3 × 4 = 72 हो गए, है ना, यानी 18 × 4 = 72, बच गए 3। तो क्या आंसर आएगा, 4 whole 3/18। तो जी जो
ये है 3/4 upon 3/18 जो है अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऊपर डिनोमिनेटर में देख लीजिए नीचे ना उसके टेबल में आता है या उसका फैक्टर है या नहीं है, है ना जी। तो आप देखेंगे कि इसका फैक्टर है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप एचसीएफ लेकर देखेंगे तो आपका एचसीएफ 3 ही आएगा, है ना। तो 4 होल सेम का सेम रहेगा, 3 से 3 को डिवाइड कर दिया 1 आ गया, 3 से 18 को डिवाइड कर दिया 6 आ गया। तो ये इसका आंसर है, ठीक है जी। अभी वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया कि भाई 6 है 12 है 18 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहले 6 12 18, 2 से 3 6 9, 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो अपने आपके आगे हो जाती है। अब फिर 2 से करेंगे 3 3 और 9, अब कोई भी 2 से नहीं होने का, अब 3 से हो जाएगी 3 1 और 3, फिर 3 से 1 1 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, LCM। स्टूडेंट सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, सबका मेथड एक जैसा ही है ना। अगर आपसे एक क्वेश्चन निकालना आ गया तो आपसे सब आ गए, आपसे माइनस वाले भी आ गए। अगर आपसे एक भी निकालना नहीं आया तो फिर आप सोच लीजिए आपसे कुछ भी नहीं आता, है ना। अगर आपसे 10 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, एक क्वेश्चन में कहीं आंसर में गलती आ रही है आपसे, तो आप सोचिए आपसे क्वेश्चन करना तो आता है, लेकिन आप जो है कहीं आपने मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती कर दी, तो आप अपने क्वेश्चन को अगर दोबारा चेक करेंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। 6 6 36 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 3 जा 36 मल्टीप्लाई 7 18 2 जा 36 मल्टीप्लाई 11, 6 5 जा 30 और 7 3 जा 21 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 36। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 है जी, और जी 5, अब क्या आगा 53 आगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें इसे मिक्स में चेंज करनी पड़ेगी, यहां कर लेते हैं। देखिए 36 2 जा 72 होंगे, तो 2 जा 2 चलने की नहीं, हमेशा मन जी चलेगी। वैसा अगर जब भी हम इन्हें डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, जैसे 3J चलती है, 3J तक के टेबल आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से, इससे ज्यादा नहीं चलती है ना। 3 में से 2 गए 1 और 5 में 1J चलाते हैं ना हम, तो स्टूडेंट यार 13 हो गए, 13 में 6 गए 7 बच गए, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, तो 1 होल 17 अपॉन 36। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 17 एक प्राइम नंबर है और 17 और 36 किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इसलिए यही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 2 6 4, इन आप इन कैल्शियम ले लीजिए तो जी कैल्शियम आ जाएगा 2 3 2, फिर 2 से 1 3 1 3 से 1 1 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इनके बीच में स्टूडेंट कॉमा जरूर लगाएं,
थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, एल सी एम। ट्वेल्व को यहाँ लिख दीजिए, टू से डिवाइड कीजिए, सिक्स टाइम हो जाएगा, और वन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। सिक्स से ट्वेल्व को डिवाइड कीजिए, टू टाइम हो जाएगा, और फाइव के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। फोर से डिवाइड कीजिए, थ्री टाइम हो जाएगा, और थ्री के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। सिक्स वन जा सिक्स, प्लस फाइव टू जा टेन, प्लस थ्री थ्री जा नाइन, अपॉन ट्वेल्व। अब कितना हो गया जी, इन्हें ऐड कर लीजिए, हमेशा न्यूमिनेटर ई प्लस होते हैं। 19 हो गए, 19 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 अपॉन 12। तो स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, तो 2 होल 1 अपॉन 12, तो ये आंसर आपका आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 3, ये हम आपको अभी समझा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सी और डी क्वेश्चन इसी प्रकार के थे, बिल्कुल सेम। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे वन मान लेंगे, और सिक्स होल 30, तो आपका इनके एलसीएम नहीं लेना होता है, तो स्टूडेंट एलसीएम लिख सकते हैं आप, एलसीएम इक्वल टू 30, है ना। इसके नीचे आप 30 लिखेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 नहीं आएगा, और मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6। ओके स्टूडेंट, 13 फोर से क्या हो जाएगा 52, और प्लस 6 अपॉन 13, तो कितना हो जाएगा 58 अपॉन 13, इन्हें ऐड कर दीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया हमारा, तो हम इसे मिक्स में चेंज करेंगे 58 को 13 से, तो जी 4 जाए चल जाएगी 52, और बच जाएगा आपका 6, तो जी 4 होल 6 अपॉन 13। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 6 और 13 किसी टेबल में नहीं आता, तो इसलिए यही आंसर हो गया। अब आप बी वाला क्वेश्चन करेंगे, बी वाला क्वेश्चन है जी 7 प्लस 11 अपॉन 4, है ना। तो आप क्या करेंगे, 7 के नीचे 1 मान लेंगे, तो जिसका एलसीएम 4 आ जाएगा, अब 1 से डिवाइड करने के बाद 4 ही आएगा, 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 4 वन जा 4 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 4 7 जा 28, प्लस 11 वन जा 11 अपॉन 4, ऐड कर लीजिए 8 और 1 9, 2 और 1 3, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 जा 36, तो 3 अपॉन 4 आंसर आ गया, है ना। तो जी ये आंसर आएगा 3 और 3 अपॉन 4, और ये अपनी लोएस्ट टर्म में है, अब सी वाला। स्टूडेंट अगर हम आपको बताएं, देखो जैसे आप होल रिमूव करते हैं, अगर आप इसको इन क्वेश्चन का आंसर ये वाला ही लाना चाहें, तो देखो जो ये 4 है इसकी मल्टीप्लाई 7 में कीजिए 4 की मल्टीप्लाई 7 में कीजिए, कितना आएगा 28, और इसमें जो जो न्यूमिनेटर है इसे ऐड कर दीजिए 93, तो देखो 39 अपॉन 4 ये आंसर आ जाएगा ना जी। 13 4 जा 52, और 6 58 आ गया ना, ये आंसर। आप ऐसे आंसर की जांच कर सकते हैं किसी की भी, ठीक है जी। अब सी वाला क्वेश्चन है आपका 2 प्लस 3 अपॉन 11,
तो स्टूडेंट हम पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो हमें आंसर पता होना चाहिए इसका, तो क्या आ जाएगा, 11 टू जा 22, 22 3 25। तो देखिए स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 25 अपॉन 11, है ना। और तो ये आंसर आना चाहिए इसका, 2 अपॉन 1 3 11, तो एल सी एम इज इक्वल टू 11, डिवाइड कीजिए 11 का 11 आगा मल्टीप्लाई 2 हो गए, प्लस 11 से करेंगे तो 1 आगा मल्टीप्लाई 3 आ गया, है ना। अब तो जी 11 टू जा 22 हो गए और 3 1 जा 3 हो गए 1, तो 25 अपॉन 11, है ना। अब आप देखिए यही आंसर लिखा था ना हमने यहाँ पे, तो यही आंसर आ गया। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 2 बार चला तो ये होल हो गया और 25 में से 22 गए 3 बच गया और यहाँ 1, तो जी ये आंसर आ गया इसका। अब डी, सेवन प्लस 1 अपॉन 11, ठीक है जी। 7 7 जा 77, 11 सॉरी 11 7 जा 77 और प्लस 88 अपॉन 11 आंसर आना चाहिए, है ना। एलसीएम इज इक्वल टू 1, तो जी 77 प्लस 11 88 अपॉन 11 आ गया ना। देखो ये आंसर 11 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसका आंसर 8 आ गया। अगर कोई डिवाइड करने के बाद किसी भी क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर शेष नहीं बचता तो उसका जो आंसर होता है वो ये आंसर आता है, फिर फ्रैक्शन में लिख नहीं लिखे जाते। तो जी क्वेश्चन नंबर ई, 5 + 6 अपॉन 13, फाइव अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 13, एल सी एम इज इक्वल टू 13, तो जी 13 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 13 5 जा 65 प्लस 1 6 जा 6 अपॉन 30 इक्वल टू कितना हो गया जी, 70 अपॉन 30। तो स्टूडेंट हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार चल जाएगी, 5 जा चल जाएगी 60, 13 5 जा 65 और 70 में से 65 गए 5 बच जाएगा अपॉन 30, तो यही इसका आंसर आ गया, है ना। एट अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 5, तो जी इसका एलसीएम क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 मल्टीप्लाई 8 और 1 मल्टीप्लाई 9,
एट फाइव जा 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49 अपॉन 5 और 5 9 जा 45 और जी 4 अपॉन 5 आंसर आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं, बस ऊपर क्वेश्चन लिखने का फर्क है। एड द फ्लोइंग मिक्सड फ्रैक्शन और एड दीज, है ना, पर है दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन, एक ही तरीका इस्तेमाल होगा दोनों को करने के लिए। ठीक है तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, क्या था जी क्वेश्चन, एड द फ्लोइंग मिक्सड फ्रैक्शन, जो मिक्स फ्रैक्शन है उन्हें ऐड कीजिए। तो 5 होल 1 अपॉन 4 प्लस 2 होल 3 अपॉन 4। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई भी फ्रैक्शन है, अगर आप कुछ भी कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे या फिर प्लस कर रहे माइनस कर रहे, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे या फिर आप कंपेरिजन कर रहे, किसी भी क्वेश्चन में अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, सबसे पहला काम है। और दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर आप करेंगे देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक है। लाइक है तो आप एलसीएम नहीं लेने के, और अनलाइक है तो आप एलसीएम लेके करेंगे जैसा आपने बाकी क्वेश्चन किए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके होल रिमूव करने, होल रिमूव करने के लिए डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल के साथ करते हैं और न्यूमिनेटर को प्लस करते हैं, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 20 आ जाएगा और 1 ऐड कर देंगे 21 अपॉन 4 हो जाएगा प्लस, और 2 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जाए 8 8 और जी 3 11 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इनकी ये लाइक फ्रैक्शन है तो हमें इनके ऐसे हम लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम इन्हें कर देंगे 1 1 2 और 2 और 1 3, तो ये आंसर आ गया, है ना स्टूडेंट। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे 4 8 जा 32, तो ये आंसर इसका आ गया जी। अब इसका बी वाला, टू होल 1 अपॉन 2 प्लस 3 होल 1 अपॉन 2। ठीक है जी, 2 2 जा 4 और 1 5 अपॉन 2 प्लस 2 3 जा 6 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 और 5 कितने हो गए जी 12 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड कर दिया 6 आंसर आ गया, क्योंकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसलिए इसका आंसर होल में नहीं आने, तो जी सी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी, 2 होल 1 अपॉन 3 प्लस 5 होल 5 अपॉन 18, है ना, 3 2 जा 6 और 1 7, तो जी 18 5 या 90 5 95। ठीक है जी, अब देखिए स्टूडेंट, जो ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो है ये अपनी लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा, 3 से ले लेंगे 6 नहीं 2 से लेना पहले, यहां 9 आ जाएगा और यहां 3, अब 3 से 3 1, फिर 3 से 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 और जी मल्टीप्लाई 3 18 एल सी एम
थ्री से डिवाइड कर देंगे, सिक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई सेवन प्लस एटीन वन जा एटीन मल्टीप्लाई 95, ठीक है जी, 42, सिक्स सेवन जा 42 मल्टीप्लाई प्लस 95 अपॉन 18, 5 और 2 7 हो जाएंगे और जी 9 और 4 13 हो जाएंगे अपॉन 18। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप इसे इससे डिवाइड कर देंगे 18 से, तो जी 18 7 जा चल जाएगी, तो 7 होल हो जाएंगे 36 हो है, 136 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 18 सेम बसेम आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही आंसर रहेगा इसका सी का। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, 1 होल 3/4 प्लस 2 होल 1/2 प्लस 3 होल 5/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल रिमूव करेंगे, कितना होगा जी 4 1 4 और 3 7 7/4 2 2 4 1 5 5/2 प्लस 12 3 36 और 5 41/12। अब क्या करना है आपको, इन कैल्शियम लेना, कैल्शियम 12 ही आ जाएगा इनका, टू वन सिक्स वन वन थ्री अब थ्री से वन वन वन, तो 2 × 2 × 3 तो 12 आ गया जी एलसीएम। अब यहां रख के ऐड कर लीजिए, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आता है 3, तो 3 × 7 प्लस 6 × 5 प्लस 1 × 41 है ना, आप इन्हें भी कर लीजिए, 3 7 20 प्लस 5 6 30 प्लस 41 अपॉन 12, आप इन्हें ऐड कर दीजिए, 1 1 2 हो जाएंगे और 3 4 7 2 9 तो जी 92/12 आंसर आ गया है ना, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 8 जो तो 96 होया, 7 जो चला लेंगे, 7 जो चला लो 84 है जी, 84 कितने बच गए 8/12। तो स्टूडेंट ये भी अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो अब इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, तो 7 होल 4 2 8 और 4 3 12 तो ये आंसर इसका आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इनको होल रिमूव करेंगे, 8 1 जा 8 और 9 हो जाएंगे 9 और 3 12 3 36 और 5 41 और जी कितने हो गए 32 और प्लस 13 45 अपॉन 16 जी। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले होंगे 8 × 12 प्लस 16 2 से 4 आ गया 6 आ गया 8 आ गया है ना, फिर 2 से 2 आ गया 3 आ गया 4 आ गया
अभी हम टू से ही करेंगे, वन आ गया थ्री और टू, फिर टू से ही करेंगे, वन आ गया थ्री, सेम का सेम रहेगा वन, अब थ्री से वन वन वन, तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, है ना, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, और सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, एल सी एम, तो जी फोर्टी एट एल सी एम आ गया, एट सिक्स जा फोर्टी एट, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, ठीक है जी। अब देख लीजिए सिक्स नाइन जा फिफ्टी फोर, प्लस फोर वन जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, प्लस और फाइव थ्री जा फिफ्टीन कैरी वन, और फोर थ्री जा ट्वेल्व, और वन थर्टीन, प्लस 48। अब स्टूडेंट अगर आपसे ये थोड़ी सी डिजिट बड़ी हो रही है, आपसे ऐसे ऐड नहीं होती, तो आप ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हैं, 4 4 8 8 और 5 13 एरी 1 1 4 और 1 नहीं 3 और 1 4 4 और 6 10 10 और 5 15 एरी 1 1 2 और 3 ये आ गया जी, है ना, 353 अपॉन 48। एक बार दोबारा ऐड करके देख लीजिए, 4 5 और 4 9 9 और 4 13 कैरी 1। अब 10 डिजिट वाली ऐड करेंगे, 3 और 1 4 और 6 10 10 और 5 15 का 5 कैरी 1। और अब 100 प्लेस वाली ऐड करेंगे, 1 1 2 और 1 3, ठीक हो गए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम डिवाइड करके देख लेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी, कितनी बार चला के देखते हैं स्टूडेंट, एट जो देख लेंगे, सेवन जो, सेवन जो देख लेते हैं एक बार, सेवन एट जो फिफ्टी सिक्स फाइव, और जी एट ट्वेंटी एट होगा, ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री, देखिए कितना बच गया भाई, सेवन एक इधर चला गया, फोर रह गया वन, तो यही बच गया है ना, यही चल गया भाई, सेवन होल सेवनटीन अपॉन फोर्टी एट, और सेवनटीन फोर्टी एट किसी टेबल में नहीं आते, तो यही आंसर हो गया, है ना। अब एफ नाइन होल फाइव अपॉन फोर्टीन प्लस नाइन होल फाइव अपॉन फोर्टीन प्लस टू होल थ्री अपॉन सेवन प्लस थ्री होल फाइव अपॉन ट्वेंटी एट। स्टूडेंट इन्हें खोल लीजिए, फोर्टी नाइन जा कितने होते हैं 126 और 126 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो 131 आ जाएगा, प्लस 4 टू जा 7 टू जा 14 17 अपॉन 7 आ जाएगा। अब 28 का टेबल थ्री टाइम पढ़ के देख लीजिए, अगर नहीं आता तो स्टूडेंट आप ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तीन अठे चौबीस कैरी टू सिक्स टू एट
तो ये आ गया जी 84। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इनका एलसीएम लेना है 14 का, 7 का, 28 का, तो इसका एलसीएम 28 ही आ जाएगा। तो 2 × 2 × 7 भाई, 2 × 4 = 7 = 28 LCM। अब 28 को डिवाइड कर दीजिए 14 से, 2 टाइम हो जाएगा और मल्टीप्लाई 131 प्लस इससे इससे डिवाइड कर दीजिए 7 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 17 प्लस 1 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई 84। ठीक है जी, अब 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = 2 मल्टीप्लाई होगा आंसर आएगा। और 17 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 7 = 28 कैरी 2 × 4 = 4 × 2 = 68 प्लस 84 रुकर ही रहेगा है ना अपॉन में 28। तो जी अभी ऐड कर लीजिए, वंस प्लस वाली डिजिट को ऐड करेंगे, पहले 4 को 8 में करेंगे 12 आ जाएगा और 12 को 2 में करेंगे 14 आ जाएगा, 14 का 4 कैरी 1। अब 10 प्लस वाली 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 और 100 प्लस पे यही है 4 आ जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, 2 × 8 = 10, 10 × 4 = 14 कैरी 1, 6 × 1 = 7, 6 × 6 = 12 × 1 = 13, 13 × 8 = 21 कैरी 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है जी, अब स्टूडेंट इन्हें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड यहां करके देख लीजिए, तो जी 1 चल जाएगी, यहाँ 11 हो जाएंगे 3, एक इधर चला गया यहाँ 3 रह गए 1, अब उतार लिया आपने 4 है ना, कितनी बार चला है 5 चला के देख लेते हैं 44 बच गए 10 14 हो गए, ज्यादा हो गए भाई 14, तो 4 जो चला लो 4 × 8 = 32 3 और 4 × 2 = 8 8 और 3 11 स्टूडेंट 11 हो जाएगा, 11 में से 8 गए 3 बच जाएंगे, अरे की इधर चला गया यहाँ रह गए 3, 3 में 2 गए 1, अब हमने ये चला है, अब हम कितनी बार चलाओगे 4 × 8 हो 5 × 10 हो जाएंगे है ना, तो 4 × चला के देख लो 4 × 8 = 32 कैरी 3 अजी 4 × 2 = 8 8 और 3 11 कम रह गए, ये 12 है तो ये ज्यादा ही हो जाएंगे 5, तो 4 ही चला लो
टू जी, तो ये बच गया जी। तो अगर इससे कम बच, इससे ज्यादा बचते, इसकी इक्वल बचते तो गलत था। अब रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम बचना चाहिए, है ना। तो क्या आंसर आएगा, 14 होल 22 अपॉन 28। 14 ये दोनों कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से तो हो जाएंगे, 11 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा जी, 11 और जी 14, तो यही आंसर है। तो स्टूडेंट इनका जो एस था वो 2 था, यहाँ हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 22 को और 28 को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है। तो जी क्वेश्चन नंबर 5, ऐड दीज। सबसे पहले उर्ली रिमूव करेंगे इनके, 6 टू जा 12, 12 और 5 17 अपॉन 6 प्लस, और जी 12 थ्री जा 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे जी, 43, अब क्या करना है इनका, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 ही आएगा, तो 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू 2 × 4, 4 × 2 = 8, 8 गलत हो गया भाई कहीं, 2 से डिवाइड करा 3 आ गया, इससे डिवाइड करा 6 आ गया, फिर 3 से करा यहाँ 3 आ गया, और यहाँ 3 आना था, तो स्टूडेंट आपको पता, हमें पता है, पहले से पता था कि इसका एलसीएम 12 आएगा, तो इसलिए हमने अपनी गलती को सुधार लिया, है ना। अगर दो संख्या हो और दोनों एक दूसरे के फैक्टर हो, तो उनमें से जो बड़े वाले डिजिट होते हैं वो एलसीएम होते हैं हमेशा। स्टूडेंट ये आगे ऐड करके, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर में बदलेंगे, तो 6 से चल जाएगी 72, तो 7 से अगर 2 माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो स्टूडेंट यही आंसर रह जाएगा, है ना। अब भी 3 होल 4 अपॉन 15 प्लस 6 होल 11 अपॉन 20, ठीक है जी, 15 3 का 45 और 4 49 और 6 2 जा 12, है ना, तो 120 होगा, 11 ऐड कर दो, ये आ गया जी 121 अपॉन 20। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, फिफ्टीन और 20 का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 सेम का सेम रहेगा 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 सेम का सेम रहेगा 5 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, इधर 5 सेम का सेम रहेगा, अरे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2 × 2 × 3 × 5
टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, एल सी एम। ट्वेल्व फोर जा सिक्सटी मल्टीप्लाई फोर्टी नाइन प्लस थ्री मल्टीप्लाई वन थ्री वन एंड फोर नाइन जा थर्टी सिक्स कैरी थ्री और फोर फोर जा सिक्सटीन और थ्री नाइनटीन प्लस थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री वन जा थ्री अपॉन सिक्सटीन। अब इन्हें ऐड कर लीजिए नाइन सिक्स और थ्री नाइन, नाइन नाइन एटीन कैरी वन और थ्री वन फोर और वन फाइव, तो ये आ गया है ना। अब इसे आप क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए है ना, नाइन जी चला लीजिए ये बच गया है ना स्टूडेंट, तो नाइन होल फोर्टी नाइन अपॉन सिक्सटी और ये अपनी लोएस्ट रन में है। अब क्वेश्चन नंबर सी, थ्री होल थ्री अपॉन सेवन प्लस टेन होल वन अपॉन सेवन, सेवन थ्री का ट्वेंटी वन और थ्री ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, टेन सेवन का सेवेंटी और वन सेवेंटी वन अपॉन सेवन। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप लाइक फ्रैक्शन है, एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, फोर और वन फाइव और सेवन टू नाइन। अब इन्हें डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए सेवन वन जा सेवन बच गए, टू उतार लिया फाइव, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन बच गए फोर, तो क्या आंसर आएगा थर्टीन होल फोर अपॉन सेवन, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर डी, डी जो है हम ऊपर से ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर डी थ्री फोर जा ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन और जी नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन और सेवन थर्टी फोर और जी ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स और फाइव फोर्टी वन है ना। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, फोर नाइन और ट्वेल्व का थर्टी सिक्स एलसीएम आ जाएगा, टू नाइन सिक्स वन नाइन थ्री वन थ्री वन 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 वन, तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स एलसीएम। फोर से ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे थ्री टाइम हो जाएगा, नाइन से करेंगे ओ थर्टी सिक्स क्यों लिख दिया, ओ थर्टी सिक्स ही इधर लिखना था भाई, फोर से ये भी गलत हो गया, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टीन
प्लस 9 4 36 मल्टीप्लाई 34 प्लस 3 41, ठीक है जी। और जी 15 9 135 प्लस 34 4 4 16 कैरी वन और 4 3 12 1 13 और 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, पहले वंस वाली डिजिट करेंगे, वंस प्लेस वाली 6 3 9 9 5 14 कैरी 1 2 1 3 3 6 और 3 9 1 2 3 अब स्टूडेंट इन्हें डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो बंदे चल जाएंगे, चलती नहीं, जीरो लगा दी, तो 10 होल 30 अपॉन 36। तो ये स्टूडेंट ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 10 होल 17 अपॉन 18, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, है ना। अब ये 2 होल 3 अपॉन 10 प्लस 3 होल 5 अपॉन 12 प्लस 5 होल 3 अपॉन 4, 10 2 20 और 23 अपॉन 10, 12 3 36 और 5 41 अपॉन 12, 5 4 20 और 23 अपॉन 4, है ना स्टूडेंट। तो जी अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 10 12 और 4 का 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी और 2 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 3 से करेंगे 5 निकल आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 4 4 3 12 12 5 16, एलसीएम 10 से 60 को डिवाइड करेंगे, 6 टाइम हो जाएगा, 12 5 60 मल्टीप्लाई 41 और जी 4 1 4 और 15 आ जाएगा, है ना। अब 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, 5 1 5 4 20 प्लस, अब 15 3 45 कैरी 4 और 15 2 30 और 4 34, है। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 5 5 10 10 3 13 कैरी 1, 4 1 5 5 3 8, 3 2 5 1 6। तो स्टूडेंट इसे भी डिवाइड कर लीजिए, 61 60 8 बच गए, अभी बन जाए चलेगी 61 63, ये आ गया जी 11 होल 23 अपॉन 60 आंसर, क्योंकि 23 और 60 किसी से डिवाइड नहीं होते।
अब लास्ट क्वेश्चन है जिस एक्सरसाइज का, एफ 3/4 / 7 प्लस 1/10 / 21 प्लस 7। ठीक है जी, 7 के नीचे पे हम 1 मान लेंगे, है ना। पहले इनके होल खोल लीजिए, 3 * 21 और 4 = 25। 21 का 21 होगा और 10 = 31 और प्लस 7/1। तो स्टूडेंट 7 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि 1 का तो लेके कोई फायदा ही नहीं है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेवन थ्री जा और प्लस 1 आ जाएगा, वन से डिवाइड करेंगे 21 ही आ जाएगा। ट्वेंटी फाइव थ्री जा 75 हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 का 31 आ जाएगा और 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14 आ जाएगा। अब ऐड कर दीजिए 7 और 1 = 8, 8 और 5 = 13, कैरी 1, 4 और 1 = 5, 5 और 3 = 8, 8 और 7 = 15, कैरी 1, 1 = 2। एक बार आप भी रहा इधर नहीं। तो स्टूडेंट ये आ गया, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, हम 2, 5, 3, 21 से 1 बच गया, यहाँ 4 रह गई, 3 उतार लिया, 2 जा चल जाएगी, 2 * 1 = 2, 2 * 4 = 1 रह गया। तो जी 12 whole 1/21 ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपकी जो एक्सरसाइज थी 13.1 कंप्लीट हो गई है, है ना। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और अगर आपने आपसे ये एक्सरसाइज आ गई तो आपसे सभी एक्सरसाइज आ गई, ये मानिए 5th क्लास की भी 6th क्लास की भी, अगर प्लस माइनस की किसी भी क्लास के आपके फ्रैक्शन है तो अगर आप इसे अच्छी प्रकार कर पाए तो मैं सब आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे ये एक्सरसाइज आ गई यानी कि 4th और 5th क्वेश्चन अच्छी तरह आप निकाल लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, तो आप माइनस के भी निकाल सकते हैं, असेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, कंपेरिजन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है जी। लेकिन एक बार आपको मेथड समझ में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी इस चैनल के विषय में क्या राय है वो कमेंट में जरूर लिखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।